चलिए आज के लेक्चर का रिवीजन वीडियो। इसमें हमने कौन सी चीज़ देखी थी? ईथर्स पर होने वाले इट इज एस एन वन एस एन टू रिएक्शन। तो इसमें सबसे पहला जो एग्जांपल था कौन सा था, दैट वाज ईथर का हाइड्रोलिसिस। तो ईथर का हाइड्रोलिसिस न्यूट्रल या अल्कलाइन मीडियम में नहीं होता, क्योंकि कौन सी चीज़ होती है यहाँ पर, वाटर का या OH नेगेटिव का ईथर पर डायरेक्ट अटैक होगा, और RO नेगेटिव क्या नहीं होता, इज नॉट अ गुड लीविंग ग्रुप। इस वजह से न्यूट्रल या अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन नहीं होती। ईथर का हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में लेकिन हो जाता है, क्योंकि एसिडिक मीडियम में पहले क्या होगा, इट इज ईथर का प्रोटोनेशन होता है, वो प्रोटोनेशन के बाद क्या हो जाएगा, इट इज RO जो होता है वो बदल जाता है ROH में, जो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होने की वजह से अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। तो इसलिए ईथर्स जो होते हैं हाइड्रोलिसिस करवा लेंगे अपना किस में आते हैं, एसिडिक मीडियम। अब क्या होता है, ईथर का हाइड्रोलिसिस जो एसिडिक मीडियम में होता है, इसमें कौन सी वाली चीज होगी? तो हम बोलेंगे ईथर का हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में जब होगा तो यहाँ पर है ना क्या होता है, सबसे पहले प्रोटोनेशन होता है, ये प्रोटोनेटेड ईथर है। अब इसमें आगे रिएक्शन जो होती है वो SN1 SN2 दोनों टाइप की हो सकती है, तो इसमें कौन सी वाली चीज होती है? तो हम बोलेंगे यहाँ पर यदि दोनों में से एक भी अल्काइल ग्रुप जो होता है वो 3 डिग्री होगा, या इस टाइप का अल्काइल ग्रुप जो स्टेबल कार्बोकैटायन बना सकता होगा, तो तब उसके इसमें कौन सी वाली चीज होती है? तो हम बोलेंगे वो जो अल्काइल ग्रुप होता है पहले वो कार्बोकैटायन बना लेता है, और वो कार्बोकैटायन बनकर एक अल्कोहल निकल जाएगा, और जो कार्बोकैटायन बना है इस पर वाटर के न्यूक्लियोफिलिक अटैक से दूसरा अल्कोहल बनता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब कभी भी अल्काइल ग्रुप 3 डिग्री इस टाइप का होगा जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बना सकता है 3 डिग्री से भी, तो कौन सी चीज हो जाती है? ईथर हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म SN1 होगा। यदि दोनों में से एक भी अल्काइल ग्रुप 3 डिग्री नहीं है, मतलब 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप है, तो तब प्रोटोनेशन के बाद क्या होगा, प्रोटोनेटेड ईथर पर वाटर का डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। रिएक्शन कैसी होती है? SN2 टाइप की होगी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों में से वो अल्काइल ग्रुप जो कम स्टेरिकली हिंडर्ड है उस पर वाटर के अटैक से क्या बन जाएगा, इट दो अल्कोहल इस बार डायरेक्टली बन जाते हैं। क्वेश्चंस के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है आपको, कौन सी? ईथर के हाइड्रोलिसिस का हमेशा दो अल्कोहल बनते हैं, है ना? ईथर्स एंड हाइड्रोलिसिस विल ऑलवेज फॉर्म व्हाट, टू अल्कोहल्स। ठीक है, अब इसके बाद फिर अगली चीज जो अपन बोलते हैं इसमें है ना कौन सी वाली रहेगी, तो हम बोलेंगे इट इज ईथर पर एस आई के रिएक्शन भी हम कर रहे हैं। तो ईथर जैसे यदि सिमेट्रिकल होता है उस पर एस आई यदि अपन लेते हैं कम अमाउंट में, तो पहले ईथर का प्रोटोनेशन होगा, फिर क्या हो जाएगा, आय दोनों में से किसी भी आर पर अटैक कर दे, एक अल्कोहल और एक अल्काइल हाइड्राइड बनेगा, जो क्या हो जाएगा, दोनों आर के सेम होने की वजह से कुछ भी अपन कर दो एक ही प्रोडक्ट बनता है ना। फिर ईथर सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल, यदि एच आई एक्सेस में होता है या हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे ये ROH प्लस RI तक का मैकेनिज्म तो वैसा ही। अब क्या होता है, एक्सेस ऑफ एच आई जो होता है अल्कोहल को फिर से प्रोटोनेट करता है, और कौन सी चीज हो जाएगी, प्रोटोनेटेड अल्कोहल पर आई निगेटिव के अटैक से दूसरा आर भी आयोडाइड में बदल जाता है। तो हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड एच आई में ईथर के दोनों आर सेम हो चाहे अलग अलग, दोनों को अल्टीमेटली किसमें जाना है, आयोडाइड में ही, तो प्रोडक्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब लेकिन यदि अनसिमेट्रिकल ईथर उस पर एच आई भी हमने कम अमाउंट में डाला, तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस टाइप का फंडा लगेगा। क्या हो जाएगा, कि इसका प्रोटोनेशन हुआ, प्रोटोनेशन से जो प्रोटोनेटेड ईथर बनेगा इनमें से दोनों में से एक भी अल्काइल ग्रुप यदि 3 डिग्री होगा, तो मैकेनिज्म क्या हो जाता है, SN1, तो क्या हो जाएगा, फिर वो 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप जो होता है, जैसे अपन ने आर मान लिया यहाँ पे 3 डिग्री था, तो कार्बोकैटायन बना लेगा दूसरा अल्कोहल में, और फिर वो जो कार्बोकैटायन होता है उसके ऊपर आई निगेटिव के अटैक से क्या बन जाता है, यहाँ पर अल्काइल आयोडाइड बन जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर कौन सी वाली चीज होती है, तो हम बोलेंगे इट इज प्रोटोनेटेड ईथर पर यदि क्या हो जाएगा, दोनों में से एक भी अल्काइल ग्रुप 3 डिग्री ना हो, तो कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे प्रोटोनेटेड ईथर पर आई निगेटिव का जब डायरेक्ट अटैक होता है तो उससे कौन सी चीज हो जाती है, तो हम बोलेंगे SN2 तो रिएक्शन स्टेरिकली गवर्न होती है, तो आई निगेटिव प्रोटोनेटेड ईथर के उस आर पर अटैक करता है जिस पर स्टीरिक हिंडेंस कम होता है, तो वो चला जाता है आयोडाइड में, दूसरा बदल जाएगा जिसमें दैट इज इनटू अल्कोहल। ठीक है, इसके बाद से कौन सी वाली चीज होती है, तो हम बोलेंगे इट इज इसमें ध्यान रखते हैं दोनों रिएक्शन में ईथर का हाइड्रोलिसिस और एसआई वाले में कि यदि अल्काइल ग्रुप 1 डिग्री या 2 डिग्री तो SN2 ही करवाना है। ठीक है, दैट इज नोट इम्पॉर्टेंट। इसके बाद फिर फिनोलिक ईथर पर एसआई के रिएक्शन करवाएंगे तो एसआई के अमाउंट से इररिस्पेक्टिव यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए क्या बन जाएगा, तो फिनॉल प्लस अल्काइल आयोडाइड, क्योंकि यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कैसा होता है, इट इज डबल। ठीक है, तो यहाँ फिनॉल बनेगा साथ में अल्काइल आयोडाइड बनता है। अब इसके बाद फिर जैसे ये कौन सी चीज होती है, मीथॉक्सी ईथर्स हैं, इन पर एस आई के रिएक्शन करवाएंगे ड्राई कंडीशन में, एसेंशियली SN2 होती है ये। क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुम अल्कोहल मिथाइल आयोडाइड बन जाएगा, इस पर एजीनोथ्री के रिएक्शन से AZI बन जाता है। AZI का जितना भी अमाउंट होगा तुम बोलेंगे जितने मोल्स ऑफ AZI बनेगा उतने मोल्स MEI होगा, और जितने मोल्स MEI हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में उतनी OMe लिंकेजेस होंगी। तो इसको क्या बोला जाता है, डीजल्स मेथड बोला जाता है फॉर एस्टिमेशन ऑफ OMe लिंकेजेस इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बाद फिर ईपॉक्साइड्स जो होते हैं
ईपॉक्साइड्स पर हम कौन सी चीज बोलते हैं, तो हम बोलेंगे ईपॉक्साइड्स जो होते हैं इन पर ईथर होने के बाद भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से हो जाते हैं, वजह इसकी क्या होती है, तो हम बोलते हैं ईपॉक्साइड्स जो होते हैं ये हाईली स्ट्रेनस थ्री मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो कार्बन ऑक्सीजन डायरेक्ट बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है दैट इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है तो स्ट्रेन रिलीव करने के लिए क्या हो जाता है, तो हम बोलेंगे रिंग जो होती है आसानी से ओपन हो जाती है। ठीक है, तो कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो ईपोऑक्साइड ईथर होने के बाद भी अपने पर काफी आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा लेते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से इनकी स्ट्रेनस थ्री मेंबर्ड रिंग जो होती है वो ओपन हो जाती है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर रिंग ओपनिंग रिएक्शन जो होती है ईपोऑक्साइड की दो टाइप की होती है। यदि कौन सी वाली चीज होगी, तो हम बोलेंगे यदि है ना, क्या होता है यहाँ पर, हम बोलते हैं कि यदि न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली इस पर ईपोक्साइड पर अटैक करे, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बेस कैटलाइज्ड रिंग ओपनिंग। तो ऐसे इन टू टाइप की होती है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल ईपोक्साइड के उस कार्बन पर अटैक करता है जिस पर स्टीरिक हिंड्रेंस कम होता है, रिंग ओपन हो जाएगी। ओ नेगेटिव का क्या हो जाएगा, बाद में सॉल्वेंट से प्रोटोनेशन हो जाता है। फिर इधर रिएक्शन एसिड कैटेलाइज भी होती है, तो इसमें एच पॉजिटिव भी हो सकता है, लेविस एसिड भी हो सकता है। तो एसिड कैटेलाइज्ड रिंग ओपनिंग में कौन सी चीज होती है, हम बोलेंगे पहले प्रोटोनेशन होगा और उसके बाद क्या होगा, प्रोटोनेटेड इपोक्साइड को फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। ये रिएक्शन एस एन वन टाइप की होती है, तो इनमें न्यूक्लियोफाइल हमेशा इपोक्साइड के उस कार्बन पर अटैक करता है जिस पर क्या होता है कार्बन का टाइम ज्यादा स्टेबल रहे। तो क्या हो जाएगा, इस रिंग ओपन होगी और ये प्रोडक्ट बन जाएगा जिसमें न्यूक्लियोफाइल पर से एच पॉजिटिव यहाँ से फिर हट जाता है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चंस करते टाइम ध्यान रखना है कि SN1 बोला जरूर है लेकिन कार्बोकैटायन बनाकर रीअरेंजमेंट नहीं करना है। तो ऐसा मानना है कि जहाँ कार्बोकैटायन बन सकता है ज्यादा स्टेबल वहाँ अटैक करवाना है, बट एक्चुअली यहाँ रिएक्शन क्या होगी बिना कार्बोकैटायन की होती है। एक्सट्रीम केसेस जिनमें कौन सी चीज होती है कार्बोकैटायन बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो जाए, सिर्फ वहां पर क्या हो सकता है, तो हम बोलेंगे इट इज SN1 मतलब कार्बोकैटायन बनाकर फिर रीअरेंजमेंट वगैरह हो सकता है, तो हमको सोचना है अदरवाइज नहीं। फिर डायहैलाइड्स में जर्मेनिल डायहैलाइड्स बनाने के लिए अल्डिहाइड एसीटोन पर PCl5 एसोसिएटेड टू रिएक्शन, देन इट इज अल्काइन के ऊपर HCl का एडिशन Hg2 पॉजिटिव के प्रेजेंस में। विसिनिल डायहैलाइड बनाने के लिए अल्कीन पर ब्रोमीन एंड CCl4, उसके बाद विसिनिल डायोल उसके ऊपर PCl5 का रिएक्शन, तो OH हटकर Cl लग जाता है। फिर इनके रिएक्शन ग्रेगनार्ड रिएजेंट बनाते टाइम हमने देख ली थी कि इनके ऊपर अपन Mg डालें तो क्या बन जाता है, विसिनिल जर्मेनिल दोनों से अल्कीन बन जाती है ना, ग्रेगनार्ड नहीं बनता। फिर क्या होता है, वन से डायहैलाइड पर जिंक डालें तो साइक्लोप्रोपेन बन जाता है, दैट इज फ्रियून रिएक्शन। इसके बाद फिर इनका डिहाइड्रोहैलोजनेशन करवाएंगे तो अल्काइन्स बन जाती है, रिएक्शन भी पड़ा हुआ है। अब इसके बाद इनमें विसिनिल जर्मेनिल में डिस्टिंक्शन के लिए दो रिएक्शन है, एक बार क्यों से रिएक्शन करवाते हैं तो जर्मेनिल डायहैलाइड जर्मेनिल डायोल बनाते हैं जो अनस्टेबल होता है, लॉस ऑफ वाटर से एल्डिहाइड एक कीटोन बन जाएगा। विसिनिल डायहैलाइड पर एक्वस क्यूज के रिएक्शन से दो बार सब्स्टिट्यूशन होकर क्या बन जाता है, इट इज विसिनिल डायोल बन जाता है। फिर इसके बाद इन दोनों पर एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है, दोनों पर KCN डाला तो दोनों जगह CL हटकर CNCN लग जाता है। इसका हाइड्रोलिसिस किया तो दोनों जगह क्या हो जाएगा, साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से COH बन जाएगा। यहाँ एक कार्बन पर दो COH थे तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा कार्बन पर यदि कोई भी सी डबल बॉन्ड कंटेनिंग ग्रुप होता है गर्म करने पर क्या हो जाता है CO2, तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और जो विसिनिल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड था इसको गर्म करने पर लॉस ऑफ वाटर से क्या बन जाता है, इट साइक्लिक एनहाइड्राइड बन जाता है। तो ये क्या होता है, दैट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन विसिनिल एंड जर्मेनिल डायहैलाइड। ठीक है,